कई बार जानवर गिर भी जाते हैं, ये देखो क्योंकि इसके गले हो ठीक है एक महीने के होंगे शायद हार्डली है। मेरा मन कर रहा है एक डब्बा ये भी उठा के ले जाऊँ। ये भाई ये है रियल ब्यूटी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज हम हैं ससुराल में और यहाँ पे देखो धूप कितनी जल्दी निकल जाती है। कल का अगर व्लॉग देखा होगा आपने तो हमारे घर पे 9:30-10 बजे भी धूप नहीं निकली थी और यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है जैसे ना पूरा दिन के 1:30-2 बज रहे हैं। और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे खेत में अपने सब्ज़ी वगैरह देखने की ससुराल वालों ने आखिर किया क्या है इतने टाइम में, क्योंकि हम 2-3 महीने के बाद आए हैं। पिछली बार जब आए थे यहाँ पे देखो पूरे सेब ही सेब थे, इन्होंने सेब की कटिंग भी इतनी जल्दी कर दी है। देखो ये देखो भाई यहाँ पे इनकी कड़म, वाह कितनी बड़ी बड़ी, एक पत्ता ही मतलब मेरे हाथ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है देख लो। पर हमारे वहाँ पे अभी सिर्फ हम लगा ही रहे थे वो भी आज ही। और यहाँ पे मैंने इनका कमाल कर दिया मैंने, इनका प्याज मैंने पैर से ना थोड़ा सा दबा दिया। कोई बात नहीं है, चलेगा, इतना नुकसान झेल सकते हैं जमाई का। ये प्याज है यार, ये देखो प्याज ऐसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है प्याज, बिल्कुल इतना सा। एक निकाल दें, दिखा दें इनको कि कैसा होता है प्याज। ये देखो स्टार्टिंग में प्याज ऐसा होता है कुछ ऐसा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बस ये अब ग्रो करेगा ना जब फिर ये वाली जगह जो है ये प्याज बनता है। ये देखो इसको वापस लगा देते हैं, पतला। वहाँ पे सर्दी है ना, यहाँ पे गर्मी होती है, इतनी जल्दी धूप निकल जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे सब्ज़ी एकदम फर्स्ट क्लास बनती है। देखो यार कड़म कितनी मस्त बनी है यहाँ पे। और हमारी जो पनीरी है ना इसकी प्याज वाली, वो इतनी पतली पतली सी है, ये देखो ये कितनी मोटी मोटी सी है। चलो चलते हैं यार, इस बारे में इनकी प्रूनिंग भी कर दी है इसकी सेब की, वो भी जब हरे ही है, ऐसे करते नहीं हैं बट इन्होंने पता नहीं क्यों कर दी है आज ही प्रूनिंग इसकी। ये देखो क्या है यहाँ पे कुंगलू, ये देखो वहाँ पे ठंड रहती है ना, हमारे वहाँ पे इतनी जल्दी धूप नहीं लगती। ये सामने वाली जगह है, ये देखो कितना सामने एरिया है। ये देखो सुबह जैसे सूरज निकलेगा सीधा यहीं पे धूप पड़ती है। यहाँ पे तो 7 बजे धूप निकल गई थी आज सुबह। और देखो हमारा छोटा कैलाश, वाओ ज़बरदस्त है ना यार, मन कर रहा है आज के सीज़न में यहाँ पे जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा। ये देख लो ये यहाँ पे घास कैसे स्टोर करते हैं और हम कैसे करते हैं, कितना ही हार्डली 70-80 किलोमीटर का फ़र्क है और कितना चेंज आ जाता है ना। वहाँ पे हम अलग तरीके से स्टोर करते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से। ये देखो बीच में डंडे लगा देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके डंडे लगा दिए, उसके बीच में घास फंसा देते हैं और ऊपर से भी घास डाल दिया। ये तो पिछले साल का जो सड़ा सड़ा सा लग रहा है, तो ऊपर से जो भी पानी है नीचे नहीं आएगा, ये नीचे वाला जितना भी घास है ना सारा सेफ होगा। पर इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो यार, इसको यहाँ पर ये बोलते हैं कीड़, कीड़ में घास पुनः ढो ढो के लाना। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम कहीं जा रहे हैं अपने लिए अपने पेट लेने, तो 2 छोटे पप्पी हमारे लिए कोई भेज रहा है तो आज हम वही लेने जा रहे हैं, मैं हूँ और मेरे साले हैं 2 उनके साथ। वो दूर कहीं ऊपर जंगल में इस साइड में लाइफ में कभी भी नहीं गया। और देखो यहाँ पे कैसे कैसे मंदिर होते हैं, ये दोनों बहुत तेज़ भाग रहे हैं और आपके भाई से चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही। और यहाँ पे देखो रास्ते में किसी गाय, मुझे लग रहा है यहाँ ऊपर से गिरी होगी, किसी ने ऊपर बांधी होगी ना, तो पहाड़ों में ऐसा होता है यार कई बार जानवर गिर भी जाते हैं। ये देखो क्योंकि इसके गले में रस्सी बांधी हुई है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये यहाँ गिरी है, नहीं तो क्या करते लोग, कई लोग दबा देते हैं, वरना ऐसे जो रस्सी है ना गले में रस्सी बांध के नहीं फेंकते उसको। ये देखो और कुत्ता शायद इसको यहाँ पर खा रहा है और घूरे जा रहा है कब से हमें। चलो यार भाग के अभी काफ़ी ऊपर जाना हमने। जिस गांव में हम जा रहे हैं ना उस गांव का नाम है लारोत। और भद्रवाह की सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगती है, किसी भी साइड निकल जाओ ना ये देखो पानी होता ही होता है। इस साइड भी देख लो एक नाला है, मतलब पानी कोई दिक्कत नहीं है, हरियाली हरियाली होती है। एक भी नाला हो ना तो आसपास पूरे हरियाली हरियाली होती है। हमारे पहाड़ों की एक और खूबसूरत चीज़ जो कि है चश्मे, जगह जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम से फ्रेश पानी जो कि अभी गुनगुना सा है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। और बाकी आया है, अगर आज मैं ससुराल ना आता तो आज भी शॉप की वही टेंशन वगैरह पूरे दिमाग में रहती। बड़े देखो कितना अच्छा ट्रैक आज हमारे लिए हो गया। और जो पपी आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे साले मतलब शिवानी के मामू के बेटे की भाभी, उनके मायके से, तो आज वो भी यहीं पे आए हुए थे। उसने 11 बच्चे दिए हमें, 11 में से 2 हमें देने वाले हैं।
क्या जंगल है यार ये। वो ठीक है, बस ठीक वो ठीक है सर। ठंड, इनको ठंड लगी है। लो जी, हमारा पपी हमें मिल चुका है। एक इसमें वाइट कलर का और एक हल्का हल्का ब्राउन सा है। तो अब आपको बताना कि कौन सा रखना है हमने। ये देखो, वाह, बहुत टाइम के बाद, मतलब पिछले 6-7 महीने से मैं एक अच्छा सा डॉग ढूंढ रहा था बट नहीं मिल रहा था। फाइनली आज देखो यार। और एक मेरा कज़िन है लंगोटिया यार मेरा, वो जैसे उसने फ़ोटो देखी वो बोल रहा मेरे लिए एक लेना है। तो मुझे लग रहा है कल उसके लिए हम एक और पपी ले आएंगे। देखो भाई कितना सही है। कल जो वीडियो इन्होंने भेजी थी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे थे, ऐसे उछल रहे कूद रहे थे। बट ये अभी कुछ वीडियो में देखो यार, ये देखो अब इतना सा छोटा सा लग रहा है, बिल्कुल इतना सा छोटू सा। एक महीने के होंगे शायद हार्डली। एक मेरे पास है और एक नीचे नन्नू के पास, वो दोनों बहुत तेज़ भाग रहे हैं। वो देखो, एक उनके पास है और एक मेरे पास है। ये देखो, लो जी फाइनली पहुँच चुके हैं नीचे रोड में। जाते हुए बहुत टाइम लगा, मतलब ये देखो यहाँ से भी बिल्कुल टॉप पे गए थे हम। जाने में टाइम लगा था, आते पता भी नहीं लगा कब नीचे पहुँच के। और ये देखो यहाँ पे रोड में मुझे क्या देखने के लिए मिल गया, बी हाइव्स कितनी सारी लगी यहाँ पे, वहाँ से लेके और यहाँ तक। अब पता नहीं इनका सीज़न कब है उठाने का। ये क्या होता है, गर्मियों में आप पे डाल देते हैं और बाद में जब सर्दियाँ होती हैं ना तब इनको उठा के ले जाते हैं। ये देखो, इसमें सब में कुछ बॉक्स होंगे जिसमें नहीं होगी, बाकी सब में बीज लगी हुई हैं। मेरा मन कर रहा है एक डब्बा ये भी उठा के ले जाऊँ मैं। ये देखो भाई, ठंड का सीज़न चल रहा है अभी अभी, शायद इनको बाहर कोई फूल वगैरह कुछ है नहीं, सब सूख जाता है। ये देखो, अब यहाँ पे कोई भी हरियाली दिखेगी नहीं आपको, सब सूख जाता है। ये तो कितने ज़्यादा बॉक्सेस लगे यहाँ पे। तो अभी गाइस हम पहुँच चुके हैं शैया और यहाँ पे बैठेंगे, कुछ खा पी लेते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह निकले हम शायद 10:30-11 बजे निकले थे हम, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। और इनको भी थोड़ा रेस्ट देते हैं अभी। ये देखो अभी तक मस्त सोए हुए हैं। ये देखो, और वो दोनों गए नीचे हाथ मुंह धोने। ये देखो साथ में नाला था, मैंने कहा हाथ मुंह धो लेते हैं उसके बाद खाते हैं हम भी। कुलचे लाए थे हमने, तो कुलचे खाएंगे इसके बाद हम। ओके, तो जी फाइनली घर पहुंच चुके अभी हम, बट बहुत थका दिया। उन्होंने एक टेढ़े रास्ते से लाया था, इतना ज़्यादा टेढ़ा रास्ता था कि भाई देखो पसीने छूट गए। जैसे तैसे करके पहुँच गए ऊपर घर, बट बहुत बुरा लग गया, पसीने से बहुत बुरा लग गया। और ये दोनों अभी तक सोए हुए हैं, खाया पिया कुछ भी नहीं उन्होंने। हमने फिर भी कुलचे वगैरह खा लिए थे बट इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब सबसे पहले हम पता किसकी रिएक्शन देखेंगे, धोबी की। धोबी के सामने डाल देंगे, देखते हैं धोबी इनको छेड़ता है कि नहीं। ये देखो जी, धोबी वेट कर रहा है। धोबी को सबसे पहले दिखाते हूँ धोबी का क्या रिएक्शन रहता है। धोबी, धोबी नहीं छेड़ेगा इनको, नहीं छेड़ा धोबी ने। अभी शाम के 5 बज रहे और मौसम देखो कैसा हो गया है। सुबह इतनी कड़क धूप थी और अभी देख लो चारों तरफ बादल ही बादल, और सामने वाला व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है यार। ये भाई, ये है रियल ब्यूटी, वाह। और हल्के हल्के बादल से और थोड़ा सा मौसम कुछ अजीब सा है ना, इतना प्यारा लग रहा है, सतरंगी सा मौसम लग रहा है आज यहाँ पे। और ये जो पीक्स है ना, ये हिमाचल से भी दिखती है, मैंने सुना है कि ये जो पीक्स है हिमाचल वाली साइड से भी दिखती है, कितना ज़बरदस्त है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने आज पपी कहाँ से लाए थे। ये आपको सामने टावर दिख रहा है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वो घर दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे से, वहाँ तक गए थे आज हम। सबसे पहले यहाँ से नीचे नाले में सेरी तक, सेरी से क्रॉस करके उधर ऊपर, बहुत मुशक्कत करनी पड़ी पपीज़ को लेने के लिए। वाह, मौसम की क्या बात करें।